नमस्कार दोस्तों, आपने भारत में इतने सारे प्रमुख त्यौहार देखे हैं। उन प्रमुख त्यौहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञान, बुद्धि और धर्म का बहुत ही ज्यादा मान्यवर देवता माना जाता है। गणेश की उपासना करने से आपके सारे काम सफल हो जाते हैं और कहते हैं कि गणेश जी अपनी माता के बहुत ही ज्यादा चहेते थे। गणेश जी का जन्म माता ने अपने शरीर पर लगाई हुई उपटन से किया है। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लेप लगाया था। उस लेप को हटाने पर भगवान गणेश का सृजन हुआ। कहते हैं तब से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। माता पार्वती नहाने के लिए गई हुई थी और उन्होंने गणेश को कहा कि आप दरवाजे पर रुके रहें और निगरानी दें। इतने में भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने उनसे कहा कि वह अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पार्वती से बात करनी है, लेकिन गणेश ने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि पार्वती जी ने कहा था उनसे निगरानी करने के लिए और कोई अंदर भी ना आए, ये उनसे कह कर गई थी। लेकिन भगवान शंकर को न जाने पर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान गणेश का सर काट दिया। सबसे पहले गणेश चतुर्थी छत्रपति शिवाजी ने मेरठ में बनाई थी। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत भी उन्होंने ही सबसे पहले की थी। भगवान गणेश वैसे पूजनीय माने जाते हैं। भगवान गणेश शिवजी को रोकने पर उन्होंने क्रोधित होकर उनका सर काट दिया। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती ने काली का रूप धारण कर लिया। शिव शंकर ने जब उनका ये भयंकर रूप देखा तो उन्होंने इस बात को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। जब उन्हें पता चला इसमें गणेश की कोई गलती नहीं थी तो उन्होंने अपने प्रियजनों से कहा कि आप उस बच्चे का सर लेकर आइए, दक्षिण की तरफ मुँह कर सोया हो और उसकी माँ उसकी तरफ पीट कर बैठी हो। सारे जन गए और उन्हें एक हथिनी का बच्चा मिला जो उसकी माँ पीट कर उसकी तरफ बैठी हुई थी। तो वह हथिनी के बच्चे का सर ले आए और वह सर इसके घर पर लगा दिया। पुनर्जीवन हुआ और कहते हैं इसी दिन को बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।